मत देख बेटा तू मेरी शक्ल, पर मुझे इस मुसीबत से बचा ले। बेटा नौकरी छूटने के बाद मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, उस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, यहाँ तक कि घर बेचने की नौबत आ गई है। हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। पापा आप यहाँ से चले जाइए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं अब और आपके इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी इस घर में कोई कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। स्टॉप इट सुरभि, बहुत बोल लिया तूने, और आप प्लीज यहाँ से जाइए। ये लीजिए, आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ, पर क्या करूं, मैं आपकी नहीं अपनी मामा की बेटी हूं, और मैं खुद किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। और इस सब में आपकी दूसरी फैमिली क्यों सफर करेगी? इसलिए ये ले लीजिए, यहां वापस आने का दोबारा कोई बहाना मत बनाइएगा। प्लीज टेक इट। खंडेलवाल प्लीज लीव। यकीन नहीं होता बुरी हालत में वो। मामा आप परेशान मत हो, हमारा पास्ट हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे पर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। बट ये सुरभि, इसे क्या हो गया? एक तरफ आदि सर जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये इंसान जिसे पहले भी सिर्फ अपनी पड़ी थी और आज भी। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते है मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। Thank you.
कर रहे हैं आप? और तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी